हे वेलो गाइस, स्पोकन इंग्लिश की ऑनलाइन क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज एक नई क्लास के साथ। सीधे मुद्दे पे बात करते हैं। डब्ल्यू एच वर्ड की सीरीज पे हम बात कर रहे थे। स्पोकन इंग्लिश के अदर वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसका नाम है स्पोकन इंग्लिश, और उस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे पहले के जो वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है उनको देख करके स्पोकन इंग्लिश को आसानी से सीख सकते हैं। ये शुरुआत करते हैं। आज जो अपना क्वेश्चन है वो इस तरीके का क्वेश्चन है, दिन में आप किसी न किसी इंसान से एक दो बार पूछते ही है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है कि आप किसी न किसी इंसान से पूछते हैं कि कोई भी जगह किसी जगह से कितनी दूर है। जैसे आपने पूछा कि जयपुर चूरू से कितनी दूर है, सीकर जयपुर से कितनी दूर है, मुंबई है वो राजस्थान से कितनी दूर है, या कोई भी जगह किसी जगह से कितनी दूर है, आपका स्कूल आपके घर से कितनी दूर है। इस तरीके के अगर आपको क्वेश्चन पूछने हैं तो आज मैं आपको एक ही फॉर्मेट के अंदर सिर्फ एक सेंटेंस से पूरा का पूरा सिस्टम समझा दूंगा। आप सिर्फ एक सेंटेंस को समझिए। जब भी आपको किन्हीं दो जगह के बीच की डिस्टेंस जाननी है, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, किन्हीं दो जगह के बीच की अगर आप डिस्टेंस जानना चाहते हो तो आपका डब्ल्यू एच रहेगा हाउ फार। देखिएगा इसको ध्यान से, आपका डब्ल्यू एच वर्ड रहेगा हाउ फार। हाउ फार से आप किन्हीं भी दो डिस्टेंस किन्हीं भी दो जगह के बीच की डिस्टेंस को जान सकते हैं। हाउ फार, अब देखिए फॉर्मेट क्या है अपना। आप यहाँ पे यूज करेंगे प्लेस फर्स्ट। प्लेस फर्स्ट का मतलब किसी भी एक जगह का नाम आपको यहाँ पे देना है। हाउ फार प्लेस फर्स्ट इज फ्रॉम लगाएंगे, और फिर प्लेस सेकेंड का नाम आप यहाँ पे रखेंगे। How far place first is from place second? इस क्वेश्चन की मदद से आप किन्हीं भी दो जगह के बीच की डिस्टेंस जान सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। चलिए बात करते हैं, इसके साथ कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। अपना जो पहला एग्जाम्पल रहेगा वो ये रहेगा कि जयपुर सीकर से कितनी दूर है। अब देखिए फॉर्मेट आपको इसको ध्यान में रखना है, बाकी और कुछ भी नहीं करना। मैंने कहा कितनी दूर है, दो जगह के बीच की दूरी जानना चाहता हूं, सेंटेंस बनेगा हाउ फार। अब मैंने कहा चूरू या जयपुर जो भी है एक जगह मैं पहले ले लूंगा। मान लीजिए मैंने चूरू को पहले रखा, हाउ फार चूरू। अब मैंने रखा इज फ्रॉम, अब मैंने जयपुर से दूरी पूछी है तो यहाँ पे अपना सेकंड प्लेस के अंदर जयपुर आ जाएगा और ये आपका क्वेश्चन बन गया। हाउ फार चूरू इज फ्रॉम जयपुर, हाउ फार सीकर इज फ्रॉम जयपुर, हाउ फार प्लेस फर्स्ट इज फ्रॉम प्लेस सेकंड। एक क्वेश्चन आपको हजारों क्वेश्चन बनाने का तरीका बता देगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अभी अपने फ्रेंड से, अपने किसी भी रिलेटिव से आप ये क्वेश्चन पूछिए, व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, या किसी भी सोशल मीडिया पे जो भी ऐप है, या आप डायरेक्टली किसी से कॉल पे भी पूछ सकते हैं, या किसी और इंसान से पूछ सकते हैं। पूछने के लिए करना क्या, पहले एक बात कहना, एक सेंटेंस बोलना कि टेल मी वन थिंग। क्या आप कहेंगे आप उसे, टेल मी वन थिंग का मतलब होता है एक बात बताओ। आप शुरुआत कहां से करेंगे, आप यहां से करेंगे, टेल मी वन थिंग एक बात बताओ। Tell me one thing, एक बात बताओ, तुम्हारा स्कूल तुम्हारे घर से कितनी दूर है। How far your school is from your house, home, जो भी आप बोले। मैंने कहा जयपुर सीकर से कितनी दूर है, तो मैंने बनाया How far चूरू is from जयपुर। चाहे तो आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, How far जयपुर is from चूरू। तो ये दोनों तरीके से आप प्लेस, किसी भी एक प्लेस का नाम पहले या फिर दूसरी जगह पे रख करके क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल आप ले लें, जैसे आपने कहा हॉस्पिटल यहां से कितनी दूर है, यहां से कितनी दूर है, तो हाउ फार हॉस्पिटल इज फ्रॉम हियर, तो यहां पे आप लगाएंगे हियर, हाउ फार हॉस्पिटल इज फ्रॉम हियर। तो आप यूज कर सकते हैं इस तरीके से, बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। किसी भी दो जगह के बीच का डिस्टेंस जानना है तो ये फॉर्मेट आपका रहेगा। आप जानते हैं कि अगर आपसे कोई ये सवाल पूछे तो आप जवाब कैसे देंगे। चलिए बात करते हैं, पूछेंगे कैसे, जाते ही पूछे टेल मी वन थिंग, क्या कहेंगे, टेल मी वन थिंग एक बात बताओ, टेल मी वन थिंग, और उसके बाद में आप पूछ लीजिए हाउ फार जयपुर इज फ्रॉम सीकर, हाउ फार जयपुर इज फ्रॉम चूरू, हाउ फार अमेरिका इज फ्रॉम इंडिया, हाउ फार कोई भी कंट्री या कोई भी दो आपको प्लेस है उनके बीच का डिस्टेंस जानना है, क्वेश्चन का फॉर्मेट रहेगा ये। अब जानते हैं हम तरीका जवाब देने का। अगर आप जानना चाहते हैं तो ये सवाल पूछ लें और जवाब देना चाहते हैं तो आप जवाब कैसे देंगे, फॉर्मेट दिख रहा हूं, प्लेस फर्स्ट इज, अब वो जितना भी दूर है वो यहाँ पे आप इस ब्लैंक वाली जगह पे रखेंगे, प्लेस फर्स्ट इज 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर फार। फार का मतलब ऐसे दूर होता है, आपको मैं बता दूं फार का मतलब होता है दूर, और इसका अपोजिट जो वर्ड होता है वो होता है नियर, जिसका मतलब होता है पास, कितना दूर, तो हाउ फार आप वर्ड यूज करते हैं। प्लेस फर्स्ट इज कोई भी जो डिस्टेंस है, जो भी वो यूनिट है वो आप यहाँ पे रखेंगे, फार फ्रॉम
अब यहाँ पे जो आपका प्लेस सेकंड है वो आप इस फॉर्मेट के अंदर रख देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल, इस बात को मैं थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू समझा दूं। मैंने कहा जयपुर चूरू से 10 किलोमीटर दूर है, सेंटेंस कैसे बनेगा, जयपुर इज 10 किलोमीटर फार। 10 किलोमीटर या 12 किलोमीटर या 2 किलोमीटर या 200 किलोमीटर या 300 किलोमीटर, जो भी डाटा है वो आपको पता है, वो डाटा आप यहाँ पे रखें, फार फ्रॉम प्लेस सेकंड। और अगर आपको पता ही नहीं है तो नहीं पता है तो उसके लिए तो आपको ऑलरेडी मैंने बताई है ना, आई डोंट नो, पता नहीं है किसी भी चीज का तो आपको ये काम करना ही है, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है, आई डोंट नो, बस बात खत्म कीजिए। लेकिन अगर आपको पता है तो बताइए ना कि प्लेस फर्स्ट मतलब कुछ भी हो सकता है, जयपुर चूरू सीकर दिल्ली कुछ भी हो सकता है, वो यहाँ पे लिखिए, इस वो जो भी डिस्टेंस है वो बताइए, फार फ्रॉम सेकंड से आप बता देंगे। इस तरीके से आप किसी भी दो जगह के बीच की डिस्टेंस को जान सकते हैं और अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। इसी तरीके के अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, टाटा बाय बाय।